नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद रघुनंदन टीवी पर। मैं रघुनंदन कुशवाहा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और चमत्कारी घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जो भाई दुबले पतले हैं और सेहत बनाना चाहते हैं और सेहत बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक सरल और आसान घरेलू उपाय बताएंगे जिसमें आपका बहुत ही पैसा खर्च होगा और आपको ये चीज़ आसानी से मिल जाएगी और आप सभी के घर पर यह चीज़ आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों, वो चीज़ कौन सी है जान लेते हैं। तो दोस्तों, वह चीज़ चना है। तो दोस्तों, आपको साबुत चना लेना है। फिर दोस्तों, आपको एक मुट्ठी चना रोज़ाना शाम को पानी में भिगोना है। फिर दोस्तों, उन चनों को हर रोज़ खाली पेट लेना है। तो दोस्तों, इन भीगे हुए चनों को खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होगी और शारीरिक दुर्बलता दूर होगी और एक शरीर में नई शक्ति यानी नई ऊर्जा आएगी और शरीर अष्टपुष्ट होगा और शरीर में नया रक्त बनेगा। और दोस्तों, भीगे हुए चनों को खाने से पाचन शक्ति भी ठीक होगी और दोस्तों इसके साथ साथ बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां भी भीगे हुए चनों को खाने से ठीक होती हैं, क्योंकि दोस्तों भीगे हुए चनों में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम और आयरन और बहुत से विटामिन भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, भीगे हुए चने खाने से दिमाग तेज होता है और रक्त शुद्ध होता है यानी खून साफ होता है और दोस्तों चेहरे पर एक नया निखार आता है। और दोस्तों, जो भाई दौड़ करते हैं यानी जो भाई धावक हैं, तो उनके लिए भी भीगे हुए चने बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और दोस्तों, जो भाई जिम जाते हैं और दिन रात अपने शरीर को बनाने के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए भी भीगे हुए चने काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों, भीगे हुए चने खाने से शरीर अष्टपुष्ट होता है और शारीरिक दुर्बलता भी ठीक होती है। तो दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। अपने परिवार के साथ हंसते रहें, मुस्कराते रहें और दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और किसी के भी काम आ सके। जय आयुर्वेद, जय भारत।